Hello friends, this is your one and only bodybuilding doctor, Dr. Nikhil Tari. So guys, this is our third video of 3 minute ka gyan series ka aur aaj hum log discuss karne wale hain ALA ke bare mein. Aur shuru karne se pehle jinhone abhi tak mera channel subscribe nahi kiya hai, please do subscribe my channel because ye aisa channel hai jahan pe aapko sari information di jati hai in detail aur very in easy format mein ki aap samajh sakte ho usko. एंड अगर आपने मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखे तो आप खुद एक फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है आपको. सो जाते हैं हम ALA के पास. वेलकम बैक. सो गाइस, अभी मैं आपको ALA के बारे में बताने वाला हूँ, वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसकी डोजिंग क्या है और हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन. ALA, what? It is अल्फा लिपोलिक एसिड, जिसको थायरॉइडिक एसिड भी बोलते हैं. इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके खाने से अपने को मिलता है और बट वेरी इंपॉर्टेंट. 1950 में इट वॉज फॉर्म कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कर्व्स साइकिल एंड इट इज़ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इन अवर बॉडी. इसका मेन वाइटल फंक्शन एट सेलुलर लेवल्स पे, यानी सेल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके मेन वाइटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इट इज़ अ पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट. इट प्रोटेक्ट्स डैमेज ऑफ सेल्स, मतलब आपके सेल्स की डैमेज रोक देता है. और इसके सोर्सेस क्या है, नेचुरल सोर्सेस क्या है, ईस्ट, ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर एंड हार्ट ऑफ चिकन एंड गोट, वॉट एवर मीट जो आप खाते हैं, स्पिनैच, ब्रोकली, पोटैटोस, इन सब में आपको ALA मिलता है. इसके बेनिफिट्स क्या है गाइस, सबसे बॉडी बिल्डिंग को अगर देखेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है. इट इज़ अ मेन थिंग. इंसुलिन इज अ मोस्ट एनाबोलिक हार्मोन इन अवर बॉडी. अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है तो आपको मिलेगा मोर मसल मास एंड लेस फैट. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग योर इंसुलिन सेंसिटिविटी. इट कॉम्बैट्स फ्री रेडिकल, रिड्यूसेस एजिंग ऑफ सेल्स, कैंसर प्रोटेक्टिव है, रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, एसेंशियली मेटाबोलिज्म ऑफ मैक्रोस, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स के मेटाबोलिज्म में बहुत बड़ा हाथ है. Increases glutathione up to 70%. It is a very potent antioxidant, glutathione again. उसकी भी secretion बढ़ाता है by providing cysteine for glutathione production. Brain function अच्छी कर देता है, depression कम कर देता है and bone density बढ़ाता है. काफ़ी सारे benefits है. इसकी dosing क्या है, इसकी dosing होनी चाहिए 600 से 1800 mg per day in divided doses. Mostly जो है post workout के बाद जो आपका anabolic window है उसमें उसको लेना चाहिए एंड वीक मील्स भी आपको उसको ले सकते हैं. एक अच्छा मैं आपको प्रोटीन शेक बताता हूँ जिसमें आपको ALA का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. आपका इंटेंस वर्कआउट हो गया, वर्कआउट के बाद 100 ग्राम कार्ब्स, 50 ग्राम प्रोटीन आइसोलेट वे प्रोटीन यूजुअली, 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटीन, 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन एंड उसके साथ में 200 से 400 mg ALA, ये लीजिएगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, नथिंग एज सच, खास कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. सो क्या ये वर्थ है, क्या हम इसको खरीदे नहीं खरीदे, क्या ये बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, सी गाइस इट्स ऑल अप टू यू. इफ यू कैन अफोर्ड डू बाय, अदरवाइज बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल टैबलेट्स में आपको मिलता है. अब इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर ALA. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया 3 मिनट के अंदर ALA. And yes, do share with your friend, do subscribe my channel, do press the like button. Till then, bye.